सो डे 45 हमारा 46 हमारा है आज का, और पहला वर्ड था ऑब्ड्यूरेट, इसका मतलब है डिटरमाइंड, ऑब्स्टिनेट बोलते हैं हम इसी को, जिद्दी। हमारे पास सेकंड वर्ड था ऑब्नॉक्शियस, इसका मीनिंग था एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, और इसको बोलते हैं हम अप्रिय। हम आज का थर्ड वर्ड लिख लेते हैं, और वो हो जाएगा हमारा आज का थर्ड वर्ड ओमनीपोटेंट, ओ एम एन आई पी ओ टी ई एन टी, ओमनीपोटेंट। देखिए ओमनी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब जो है जिसके पास सब कुछ हो या जो सब जगह हो, और पोटेंट मतलब होता है आपकी ताकत, यानी ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी ताकत हो, यानी बोल सकते हैं आप अ पर्सन हैविंग अनलिमिटेड पावर, तो लिखेंगे आप हैविंग अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पावर। मैंने आपको रूट वर्ड्स बताए कि ओमनी माने होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो, सबसे ज़्यादा या हर जगह, और पोटेंट माने होता है आपकी ताकत। और इसका आप मीनिंग लिखेंगे हिंदी में तो क्या लिख सकते हैं आप, सर्वशक्तिमान। हिंदी में इसका वर्ड क्या है, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। तो ये हमारे सामने थर्ड वर्ड था। हम आते हैं फोर्थ वर्ड के ऊपर, इट विल बी ओमनीशियंट, ओ एम एन आई एस सी आई ई एन टी, ओमनीशियंट। इसका जो मीनिंग है आप खुद गैस कर सकते हैं, ओमनी वर्ड आ गया यानी वो हर जगह मौजूद होगा, या कह सकते हैं, और शियंट माने क्या होता है, नॉलेज, यानी जिस इंसान को हर चीज़ की नॉलेज है, ओमनीशियंट। तो आप लिखेंगे नोइंग एवरीथिंग, नोइंग एवरीथिंग, जिस इंसान को हर चीज़ की नॉलेज है उसे हम बोलते हैं ओमनीशियंट। एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ आपसे अभी ओरली, ओमनी प्रेजेंट, इसका मीनिंग क्या होगा, ओमनी मतलब जो हर जगह मौजूद हो, और प्रेजेंट माने मौजूद होना, तो ओमनी प्रेजेंट क्या हो जाएगा, वो इंसान जो हर जगह मौजूद हो, या बोल सकते हैं आप सर्व विद्यमान। और ऐसा कौन है, गॉड, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसका मीनिंग लिखिए आप, फोर्थ वर्ड का मीनिंग लिखेंगे आप, और वो क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी। हम आते हैं अगले वर्ड पे, जो हमारा पांचवा वर्ड है आज का, इट विल बी ऑस्ट्रेसाइज, ओ एस टी आर ए सी आई एस ई, ऑस्ट्रेसाइज। इसका इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे आप, एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी, एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी, एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी। आपने एक वर्ड सुना होगा, देश निकाला दे देना, या हुक्का पानी बंद कर देना, ये वर्ड सुनोगे आपने, है ना, गांव में यूज़ करते हैं। तो एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी मतलब उस इंसान का, उस समुदाय का हमने क्या किया है, उसे सोसाइटी से बाहर निकाल दिया है। और उसके लिए हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड है, वो होता है बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना, ठीक है, यानी सोसाइटी से, बाकी लोगों से उसे अलग कर दिया है हमने, ठीक है। पुराने जमाने में ऐसा बहुत होता था, आजकल नहीं होता है। अगला वर्ड हमारे सामने क्या है, आउटडू, ओ यू टी डी ओ, आउटडू। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बी मोर सक्सेसफुल देन, बी मोर सक्सेसफुल देन, यानी आगे निकल जाना, बी मोर सक्सेसफुल देन, यानी आगे निकल जाना। और हमारा अगला वर्ड है, दैट विल बी सेवंथ वर्ड, ये हो जाएगा आपका ओवरडू, ओवरडू। ऊपर था आउटडू, ये है आपका ओवरडू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डू समथिंग एक्सेसिवली, किसी भी काम को बहुत ज़्यादा कर देना, बहुत सिंपल सा वर्ड है ओवरडू, ओवर माने ज़्यादा और डू माने करना, एक्सेसिवली। तो आई थिंक इसकी हिंदी ज़रूरत नहीं है, लिख लेंगे आप हिंदी लिखना चाहते हो, अति करना, अति करना, अति मतलब क्या होता है, किसी भी काम को बहुत ज़्यादा कर देना। अगला आठवां वर्ड आपके सामने है, वो हो जाएगा पल्पेबल, पी ए एल पी ए बी एल ई, पल्पेबल, पी ए एल पी ए बी एल ई, पल्पेबल। इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं ईजीली अंडरस्टूड, ईजीली अंडरस्टूड, यानी जिस चीज़ को आसानी से समझा जा सके। और इसके लिए हिंदी में वर्ड क्या है, स्पष्ट या सुस्पष्ट। पल्पेबल मतलब क्या होता है, इजीली अंडरस्टूड। हमारे पास नाइन्थ वर्ड है, वो हो जाएगा आपका आज का पैसिविटी, पी ए डबल एस आई वी आई टी वाई, पैसिविटी। और इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में टॉलरेंस, टी ओ एल ई आर ए एन सी ई, टॉलरेंस। एंड इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, सहनशीलता, सहनशीलता,
हिंदी जाएगी इसकी सहनशीलता। एंड हमारा आज का 10th वर्ड हो जाएगा, इट विल बी पैट्रिसाइड। और ये है आपका सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड आज का, पैट्रिसाइड। पहले इसका मीनिंग लिख लीजिए, फिर लॉजिक बताऊंगा आपको मैं। पैट्रिसाइड माने क्या होता है? द किलिंग ऑफ वंस फादर, द किलिंग ऑफ वंस फादर, किलिंग ऑफ वंस फादर। ये आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पुराने जमाने में ये हुआ करता था कि जो बेटा होता था वो अब सिंहासन के लिए अपने पिताजी को मार दिया करता था। तो पैट्रिसाइड जो है वहीं से वर्ड निकल के आया है। इसे हम बोलते हैं पितृ हत्या, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पितृ हत्या। और अब लॉजिक समझते हैं इसका। लॉजिक क्या है, देखिए, पैट्री जब वर्ड जहाँ आता है, पैट्री जहाँ वर्ड आता है उसका मतलब होता है फादर से रिलेटेड। आपने सुना होगा पैट्रियार्की, यानी पुरुष सत्तात्मक। इंडिया कैसी कंट्री है? पैट्रियार्की है। यहाँ पे ज़्यादा चलती किसकी है? पुरुष ही चलती है, मतलब वो अलग अलग केसेस हैं, बट इंडिया को हम बोलते हैं पैट्रियार्की कंट्री। पुराने जमाने से ही होता है हमारे इंडिया में, ओके। और साइड माने, CIDE माने क्या होता है? मृत्यु, मौत। अब सुसाइड, स्यू मतलब खुद को और मार लिया। आपने बोला बोल सकते हैं पैट्रिसाइड, तो यहाँ पैट्री माने क्या था? फादर, और साइड माने हत्या। तो ये लॉजिक था इस वर्ड का, ओके। तो आइए आपके आज के 10 वर्ड्स थे।